गुड मॉर्निंग टू एवरी अर्जेंटीना एंड मेसी फैन। भाई साहब, वॉलपेपर चेंज हुआ कि नहीं हुआ तुम लोग का, मेरे को ये बताओ। हाँ देखो, मेरा तो वॉलपेपर चेंज हो गया है भाई, है ना, ये मेरा वॉलपेपर जो है वो लग चुका है। तुम लोग का भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया स्टोरी में बहुत सारे वॉलपेपर्स, जाओ उठा लो अपने मन को और लगाओ साला वॉलपेपर। भाई सपना पूरा हुआ है और यकीन नहीं हो रहा है। सबसे गजब की बात कि यकीन ही नहीं हो रहा है यार। मैं कल रात भर 4 बजे तक ट्विटर चला रहा हूँ, वहाँ रो रहे हैं अलग फैंस। वो तुम लोग जान रहे हो क्या चल रहा है अलग फैंस का, क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन यार मैं जब ये फोटोज़ देख रहा हूँ मेसी को वर्ल्ड कप के साथ देख रहा हूँ, अभी मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है यार कि ये हो गया, सच में हो गया है। भाई साहब, अमेजिंग नाइट, अमेजिंग गेम ऑफ फुटबॉल। एक फाइनल था जो वर्थ वॉचिंग था, जो मिस कर दिए वो मिस कर दिए भाई। बट मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फाइनल था जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइनल्स पे गिना जाएगा, नॉट ओनली इन द वर्ल्ड कप बट इन द गेम ऑफ फुटबॉल। टेल मी वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनल यू हैव वॉच्ड इन होल ऑफ फुटबॉल। लोग कहेंगे वो 2022 का वर्ल्ड कप था ना, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, भाई वो एक कर्रा गेम था। कल का गेम वो था यार। और तुमको पता है इस वीडियो में मैं लियो मेसी की तारीफ करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन पता क्या, लियो मेसी के अलावा देयर आर मेनी प्लेयर्स, द मैनेजर एज वेल, जिसके बारे में अपन को तारीफ करना बनता है यार। सबसे पहले डीबू, हमारा एमी मार्टिनेस गोलकीपर यार। इस बंदे को आर्सेनल में जब ये था कोई नहीं जानता था, आर्सेनल में अच्छा खेला, एस्टन विला चला गया। ये बंदे ने हमको जिताया है सिंगल हैंडेडली गेम। जितना क्रेडिट लियो मेसी डिजर्व करता है उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से डीबू डिजर्व करता है यार। नीदरलैंड वाला गेम, वो जो फाइनल्स में सेव्स उसने करे एकदम आखिरी मिनट में, जिसके चलते हम पेनाल्टीज में गए और फिर पेनाल्टीज में उस बंदे ने जो है वो गोल्स रोके अर्जेंटीना के लिए। और फ्रांस वाला गेम देख लें, आखिरी में उसने जो है वो भाई साहब गोल रोका और फिर अपन पेनाल्टीज में गए और पेनाल्टीज में उसने गेम जिताया। अब एक गेम पलटा है ये एमी मार्टिनेस ने कल क्या, परसों भी, नरसों भी, हर एक गेम में। अटैक के बारे में बात कर लूँ, जूलियन अल्वारेस 22 साल का लौंडा है, गोल तो मार ही रहा है बट गोल मारने के अलावा आप देखेंगे वो कैसे प्रेस करता है यार, जिसके चलते सामने वाली टीम प्रेशर में आकर के बॉल डिस्पोजेस कर देती है। एंजो फर्नांडिस, एक ऐसा नाम जो हमने केवल सुना था कि हाँ बेनफिका का प्लेयर अच्छा खेलता है, लेकिन सवाल था कि क्या ये लो सेल्सो को जो है वो भाई साहब रिप्लेस कर पाएगा। लो सेल्सो की कमी महसूस हुई हमको शुरुआत में, लेकिन फिर इन लोग महसूस नहीं होने दिए यार। अपना ये मैक एलिस्टर ब्राइटन का प्लेयर है, ब्राइटन कौन सी टीम है बे प्रीमियर लीग में, 10 11 12 13 में होगी कहीं ब्राइटन। ये बंदा गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप का लेकर के जाएगा ब्राइटन, एक वर्ल्ड कप प्लेयर ब्राइटन में खेलेगा, आर यू किडिंग मी। रॉड्रिगो डी पॉल शुरुआत में शेकी लगा, लेकिन तुम देखो बंदे ने गेम कैसा पकड़ा अपना। और हमारा बैकलाइन यार, मुझे माफ करना ऑटामेंडी, मैं तेरे ऊपर शक किया था। ऑटामेंडी वेटरन भैया वर्ल्ड कप जीत गया यार। मैं तुम मेरे को एक साल पहले आकर के ये बात बोलते कि आशीष यार तेरे को लग रहा है क्या ऑटामेंडी वर्ल्ड कप जीतेगा, मतलब तो चूतिया हो गया है क्या, ये ऑटामेंडी वर्ल्ड कप जीता है यार। मोलिना, नाम सुना है क्या तुमने, रोटी सब्जी मोलिना का? मैंने तो नहीं सुना था भाई। एम्बाप्पे को पॉकेट करके रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कुनिया, टेगलाफिगो, रोमेरो, लिजरांडो मार्टिनेस, भाई साहब एवरी प्लेयर अपार्ट फ्रॉम लियो मेसी क्या खेले हैं यार, क्या खेले, ड्रीम टीम टाइप की जो है वो माहौल दी है। और ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट द लेजेंड ऑफ द गेम, ऑब्वियसली एंजल डी मारिया। भाई साहब एंजल डी मारिया जान है मेरी, मज़ा आ गया यार कल का गेम देख करके। एक नंबर परफॉर्मेंस फ्रॉम द होल ऑफ द टीम ऑफ अर्जेंटीना मेरे भाई। ऑल दो बॉटल कर दिए, लेकिन वो बॉटलिंग के चलते ना ये जो टेस्ट है, ये जो स्वाद है इस गेम को जीतने का, वो और भी जो है वो मीठा लग रहा है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। एंड देन ऑब्वियसली एट द लास्ट आवर कैप्टन लियो मेसी अगले गेम बदलने वाले। पीपल आर टेलिंग पेनाल्टीज पेनाल्टीज पेनाल्टीज, अरे हाँ मिली पेनाल्टीज पूरे टीम्स को, हर एक टीम को मिली है पेनाल्टी, ठीक है। और तुम पेनाल्टी को ले जाओ, ठीक है, नहीं मारा पेनाल्टी लियो मेसी ने। अपार्ट फ्रॉम दैट पेनाल्टी लियो मेसी स्कोर्ड भाई साहब वन ब्यूटीफुल गोल एज वेल, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट बैंगर ऑफ अगेंस्ट नेदरलैंड एंड नेदरलैंड नहीं यार, हाँ शायद नेदरलैंड, मेरे को नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया, जब लग रहा था कुछ नहीं होगा। आप गेम कैसे नहीं देख रहे हो लियो मेसी का, गेम कैसे नहीं देख रहे हो, उसके असिस्ट कैसे नहीं देख रहे हो, उसकी पासिंग क्यों नहीं देख रहे हो, कहाँ हो तुम लोग, बस पेनाल्टीज पेनाल्टीज बोलने आ जाते हो यार। देखो गेम भी देखो, थोड़ा सा समझ में आएगा भाई, मज़ा आ गया यार। बाकी गेम के बारे में बात करूँ यार, क्या रोलर कोस्टर था भाई। शुरुआत के हाफ में अर्जेंटीना 2 गोल मार लेती है,
अब तो लग रहा था कि भाई सीना चौड़ा हो चुका है, एकदम फूल के गुब्बारा बन चुका है कि जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जो है वो एकदम नज़दीक है। आखिरी 10 मिनट में एम्बाप्पे ने जो है वो फेरा बदली कर दी। एक तो यार मैं ये बोलूँगा कि जो पहला पेनाल्टी था वो था पेनाल्टी जो अपन को जो है वो देना पड़ा, ठीक है, एम्बाप्पे ने पेनाल्टी स्कोर कर दी, बोले ठीक है। एंड देन द सेकेंड गोल फ्रॉम एम्बाप्पे वो सुपर मेरे भाई, वॉली जाता है एक नंबर, एमी मार्टिनेस बीट होते हैं 2-2 एक्स्ट्रा टाइम, मेसी ने एक गोल मार के जो है वो जिंदा किया अर्जेंटीना को 3-2। एंड देन एट दी लास्ट एक ऐसा पेनाल्टी जो डूबियस था काफ़ी ज़्यादा, अर्जेंटीना को जो पेनाल्टी मिली ना उससे भी ज़्यादा डूबियस था, लाइक वो तो एल्बो उसके फेस में थी, वो अगर एल्बो में नहीं लगती तो उसके सर पे लगता, तो अब आप रिग्ड विग्ड तो नहीं कह सकते, लाइक उनको भी एक डूबियस पेनाल्टी मिली, हमको तो डूबियस नहीं थी, उनको तो कुछ ज़्यादा ही डूबियस मिल गई पेनाल्टी, तो वहाँ पे एक वो भी अपन को देखने को मिला है ना। तो भाई दोनों गेम में दोनों पेनाल्टीज जो है वो अपन को वैसे ही देखने को मिली, और उस पेनाल्टी का फिर एम्बाप्पे ने गोल मार के जो है वो 3-3 गेम को कर दिया। बट देन जब बात आई पेनाल्टीज में, और पेनाल्टीज में आपके पास ऐसे ऐसे पेनाल्टी स्कोरर्स हैं और ऐसे ऐसे भाई साहब गोलकीपर हैं, तो आप जीतने वाले हैं गेम। एमी मार्टिनेस जो है वो भाई क्या पेनाल्टी रोकता है यार वो बंदा, यार पता नहीं यार मैं समझ नहीं पाया कि कैसे एमी मार्टिनेस ये काम करते हैं, बट भाई साहब एमी मार्टिनेस ये काम करते हैं और उन्होंने वो ये काम किया। दिस विन ऑफ अर्जेंटीना वॉज रिटन इन स्टार्स, भाई साहब देयर इज ब्यूटिफुल थ्रेड्स ऑल ओवर ट्विटर। सबसे पहले 1985 में मैराडोना जो है वो बार्सिलोना छोड़ जाते हैं After fighting a Bilbao player in a cup final, and in 1986 he captained Argentina to a World Cup victory. 2021 में याद होगा Bilbao winners, Bilbao से कप में हमारा मैच चल रहा था और मैसी लड़ाई करके निकले, और 2022 में मैसी इज द वर्ल्ड कप विनर मेरे भाई। 1986 Maradona's Napoli were kicked out of UCL in round of 16 by Real Madrid after an aggregate score of 3-2. In 2022 Messi's PSG was kicked out of UCL by the same team with the same score line, mere bhai. The last time Barcelona scored 4 goals away in El Clasico without Messi was in 1986. They did it again in 2022. 1986 में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी, 2022 में भी वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना जीती गई। आगे सुनते जाओ, Maradona had 7 goals in all competitions by end of February 1986 and finished the season with the lowest goal tally of his career. Messi had 7 goals in all competition by the end of 2022 February and finished the season with the lowest goal tally of his career. Maradona's cup finishes: round of 16, quarterfinal, runner-up, winner. Messi's round of 16, quarterfinal, runner-up. आगे आपको पता है क्या हुआ? The last time Real Madrid won La Liga having 10-point difference ahead of runners Barcelona was 1986. They finished 13 points ahead of Barcelona this season. The last time Canada qualified for a World Cup was 1986 and they have qualified for World Cup 2022. Maradona जो है वो World Cup 1-0 हारे थे जर्मनी से और एक जीते थे, मैसी भी जो है वो 1-0 हारे जर्मनी से और एक जीते हैं। FA कप में भाई साहब और भी कई सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या ही बताऊं। और वर्ल्ड कप का सुन लो, ये तो चलो बाहर का था, वर्ल्ड कप का बताता हूँ। द लास्ट टाइम द डिफेंडिंग चैंपियंस मेड इट टू बैक इन द फाइनल वाज ब्राज़ील इन 1998, दे लॉस्ट इन द फाइनल्स, एंड फ्रांस के साथ भी वही हुआ। मैराडोना का 5 गोल था, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम भाई साहब पोलैंड अफ्रीकन टीम से हारी थी वो वर्ल्ड कप 1986 में था, वो इस साल भी वर्ल्ड कप में हुआ है। ब्राज़ील पेनाल्टी शूट आउट हारी थी 1986 में हुआ था, वो इस साल भी हुआ है। और अर्जेंटीना अपनी होम जर्सी पहनी थी 1978 में, और फिर भाई साहब पहनी थी 1986 में और जीते थे वर्ल्ड कप। बीच में जो है वो अवे जर्सी पहने थे, वो हार गए थे 1990 था मेरे ख्याल से, और वो फिर से होम जर्सी पहन करके जीते इस सीजन। इट वाज ऑल रिटन इन द स्टार्स मेरे भाई। मैराडोना ऊपर से ओवर टाइम काम कर रहे हैं वर्ल्ड कप जिताने के लिए मेसी को, और मैं फिर से कहूंगा कि मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया है। मैं सच में, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार, मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा। अरे कितनी बड़ी बात है वर्ल्ड कप जीतना, और लोग कह रहे हैं ना, अब देखो ना लोग कैसे पलट गए। ठीक है, पहले था कि एक भी इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है इसलिए जो है वो रोनाल्डो इज़ बेटर देन मैसी। मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या कहानी चलती थी। ठीक है, मैसी ने इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत गई तो फिर उन लोग बोले कि भाई कोपा अमेरिका तो कुछ नहीं होता, यूरोज ही सब कुछ होता, जबकि यूरो से बड़ा है कोपा अमेरिका। लेकिन ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैसी फाइनलिस्मा भी जीत गया तो बोल दे वो तो ऐसी एक बनाई हुई ट्रॉफी है, चलो ठीक है। वर्ल्ड कप जीत गए
लियो मेसी। अब इंटरनेशनल ट्रॉफी वाला जो है वो कहानी खत्म हो गया है ना, अब इंटरनेशनल ट्रॉफी तो काउंट ही नहीं हो रहा है ना। देयर यू नो देयर सेइंग एम्बापे एम्बापे एम्बापे, अब एम्बापे की डिक राइडिंग क्यों कर रहे हो तुम लोग। और सबसे गजब की बात मैं तुमको बता रहा हूँ ना, देयर थिंग कि अगर एक वर्ल्ड कप जीतने से मेसी गोट बन जाता है तो पेले ने तो तीन तीन वर्ल्ड कप जीता है, तो पहले तो भैया गोटेस्ट हैं। अरे भाई तू देख, मेसी ने उस वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ और क्या क्या किया है, 7 बैलन डॉर्स जीता है उस बंदे ने, इतने सारे UCL जीते, इतने सारे लालीगा जीते हैं, सब बंदे ने जीत लिया। एक ट्रॉफी की बस कमी थी और वो थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, और वो मैसी जीत करके अब मेरे ख्याल से डिबेट सेटल करते हैं कि हु इज़ बेटर। भाई साहब आई एम नॉट गोना से, बट यू ऑल हैव टू से इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, हु इज़ बेटर इन योर भाई साहब ओपिनियन, आपका फेवरेट अब कौन है आप मुझे ये बताएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कंपैरिजन करो कौन है क्या है ये सब मत करो, लेकिन तुम्हारा अब फेवरेट कौन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। भाई साहब मजा आ गया, एक ऐसा सपना जो अधूरा था और पूरा हो गया, और विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक कि पूरा हो गया। और वॉलपेपर बदल लेना दोस्तों, ठीक है, मैंने स्टोरीज में डाल दिए एक से एक वॉलपेपर, चेंज करो जा करके। मिलता हूँ, चलो बाय, दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में, शेष केयर पीस, वामो अर्जेंटीना। एंड भाई साहब इंजॉय करो आज का दिन अपने दोस्त यार के साथ, जाओ मजा आ गया भाई।